नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा में लाइब्रेरी के बारे में ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। ओपन सोर्स लाइब्रेरी GIS एप्लीकेशन बनाने के लिए जियोटूल्स आता है, ओपन मैप आता है और ArcGIS भी आती है। ये लाइब्रेरी जो कि GIS एप्लीकेशन बना सकते हैं इससे। तो इस लेक्चर में हम लोग ओपन मैप जो कि ओपन सोर्स जावा लाइब्रेरी है उसके बारे में ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। ये इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि कैसे ओपन करें शेप फाइल को। अब इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कुछ पॉइंट्स ऐड करें, कुछ ज्योमेट्री ऐड करें, जैसे सर्कल हो गया, ये पॉइंट हो गया। अगर आप लोग ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर देख सकते हैं, जो कि बताता है कि कैसे ओपन करें शेप फाइल को। तो ये लेक्चर उसके आगे स्टार्ट होता है। मैंने उसी प्रोजेक्ट के अंदर ये रिकॉर्ड पॉइंट किए हुए हैं, जो कि हम लोग ज्योमेट्री ड्रा कर सकते हैं, जैसे पॉइंट हो गया या सर्कल हो गया। तो उसके लिए पहले ये लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ओपन मैप की ये साइट है, तो यहाँ से ओपन मैप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड करने के बाद ये इस तरह से जिप फाइल बन जाएगी। फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद तो ये यहाँ पे लाइब्रेरी देख सकते हैं। ये पाँच लाइब्रेरी है जो कि हम लोग को इंक्लूड करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आगे देखते हैं हम लोग कैसे बनाए प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने इंक्लूड करी हुई है लाइब्रेरी जार फाइल इंक्लूड करा हुआ है। तो ये मेन है ओपन मैप डॉट जार। फिर देखते हैं कि कैसे कोडिंग करें। तो उसके पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये इसको रन करने के बाद ये किस तरह से ये प्रोजेक्ट दिखेगा। रन करेंगे तो ये इस तरह से ये प्रोजेक्ट रन होगा। फिर ये मैंने यहाँ पे माउस क्लिक पे इवेंट ऐड किया हुआ है। जैसे माउस क्लिक करेंगे तब फिर ये जैसे रेक्टेंगल ऐड हो गया है। तो ये इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से ये रेक्टेंगल ऐड करें। तो ये इस तरह से ये रेक्टेंगल ऐड हो रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करें। तो इसके लिए मैंने रिकॉर्ड पॉइंट डेमो क्लास बनाई हुई है, जिसके अंदर ये रिकॉर्ड पॉइंट लेयर एक और क्लास बनाई हुई है जिसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है मैंने पहले। फिर ये सबसे पहले ये इसके कंस्ट्रक्टर में रिकॉर्ड पॉइंट डेमो के कंस्ट्रक्टर में ये सबसे पहले मैप पैनल बनाया हुआ है, जो कि इस तरह से बनेगा। मैप पैनल का ऑब्जेक्ट इस तरह से बनेगा। फिर उसके बाद ये मैप कंपोनेंट ऐड किए हुए हैं। सबसे पहले लेयर हैंडलर ऐड किया हुआ है, फिर इसके बाद मॉस डेलीगेटर ऐड किया हुआ है, फिर मॉस मोड ऐड किया हुआ है। तो मॉस मोड मेनली जूम और पैन को कंट्रोल करेगा, मॉस इवेंट को कंट्रोल करेगा। फिर इसका टूल पैनल ऐड किया हुआ है, जो कि टॉप में दिखता है नॉर्थ साइड में। फिर इसके बाद लेयर पैनल ऐड किया हुआ है, जिसको क्लिक करके हम लोग ये लेयर को ऐड, ये लेयर पैनल है तो इससे ये लेयर को देख सकते हैं यहाँ पे। फिर ये लेयर कंट्रोल बटन पैनल है ऐड किया हुआ है। फिर इसके बाद लेयर ऐड पैनल ऐड किया हुआ है। इसके चलते हम लोग लेयर को नए लेयर ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है प्लस का साइन, जो कि ऐड न्यू लेयर यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसके बाद स्केल टेक्स्ट पैनल ऐड किया हुआ है। फिर इसके बाद नेविगेट पैनल, फिर जूम पैनल ऐड किया हुआ है। ये यहाँ पे देख सकते हैं स्केल पैनल, ये नेविगेट पैनल हो गया और फिर ये जूम पैनल हो गया। फिर उसके बाद ये शेप लेयर बनाया हुआ है। ये पहले शेप लेयर का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ये इस तरह से ये बफर्ड शेप लेयर को कॉल करके, फिर इसके बाद शेप लेयर की प्रॉपर्टी ये सेट की हुई है। सबसे पहले ये उसका नाम, लेयर का नाम इस तरह से सेट करते हैं, ये जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल सॉलिड लेयर
पॉलिटिकल सॉलिड नाम दिया हुआ है, फिर उसके बाद लाइन कलर, फिर फिल कलर सेट करना है, फिर उसके बाद ये मेन शेप फाइल, ये यहाँ पे पूरा पाथ देना देना पड़ेगा ये शेप फाइल का। शेप फाइल ये क्या है? शेप फाइल ये मेनली GIS वेक्टर डेटा स्टोर करने का ये फॉर्मेट है। ये यहाँ पे मैंने ये शेप फाइल ये इंक्लूड करी हुई है। फिर इसके बाद शेप लेयर का प्रॉपर्टी सेट कर दिया। फिर इसके बाद ये एक नई लेयर बनाई हुई है जो कि रिकॉर्ड पॉइंट लेयर है, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ये पहले शेप ये रिकॉर्ड पॉइंट लेयर बना दिया, ये सबसे पहले शेप लेयर ऐड किया, फिर उसके ऊपर ये रिकॉर्ड पॉइंट लेयर ऐड किया, फिर इसके ऊपर ये ग्रेटिक्यूल लेयर ऐड किया हुआ है। ग्रेटिक्यूल लेयर ये मेनली ये लैट लॉन्ग का ये लाइन ये दिखा रहा है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। इसको ग्रेटिक्यूल लेयर को बंद किया, ये तब ये वो चला गया है जो लेट डाउन को की लाइन दिखा रहा था। फिर ये जैस ये उस ऑर्डर में ऐड करना है कि ये सबसे सबसे टॉप में ये दिखेगा, फिर इसके बाद ये, फिर इसके नीचे ये, तो इस तरह से ये लेयर दिखेंगी। फिर इसके बाद ओपन मैप फ्रेम बनाया हुआ है जिसको नाम दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है रिकॉर्ड पॉइंट डेमो का। फिर इसके बाद फ्रेम का साइज सेट किया, फिर इसके बाद ये मैप पैनल में ये फ्रेम ऐड कर दिया। फिर इसके बाद ये मॉस लिसनर ऐड किया हुआ है, जैसा कि हम यहाँ पे दिखाया था मैंने कि मॉस क्लिक करने पे ये रेक्टेंगल ड्रा हो रहा है। फिर ये यहाँ पे ये रिकॉर्ड पॉइंट लेयर का ये फंक्शन कॉल किया हुआ है, ऐड रिकॉर्ड पॉइंट। ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट पास किए हुए हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पास किए हुए हैं। फिर इसके बाद ये जो पॉइंट है उसका साइज यहाँ पे पास किया हुआ है, जो 5 मैंने पास किया है। ये माउस क्लिक क्लिक ऐड किए, ये दिखा रहा है कि कहाँ पे माउस क्लिक हुआ है, तो यहाँ पे ये प्रिंट आ रहा है, ये यहाँ पे एक्स और वाई पे माउस क्लिक किया था मैंने। यहाँ पे ये पहले ये देख लिया कि माउस कौन सा क्लिक हुआ है, लेफ्ट क्लिक या राइट क्लिक हुआ है, तो यहाँ पे ये इफ कंडीशन मैंने लगाई हुई है, अगर लेफ्ट क्लिक हो तभी ये सारे काम हो। फिर इसके बाद फ्रेम को सेट विजिबल ट्रू कर दिया। फिर इसके बाद मैप बिन निकाली ये मैप पैनल से, फिर इसके बाद सेट सेंटर कर दिया। ये इसका मतलब है कि ये जब जब रन होगा तब ये सेंटर ये इस लोकेशन पर रहेगा। फिर इसके बाद उसका स्केल सेट कर दिया। फिर बस ये उसके बाद ये मेन से उसका ऑब्जेक्ट कॉल कर दिया, रिकॉर्ड पॉइंट डेमो का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। फिर अब देखते हैं कि ये रिकॉर्ड पॉइंट लेयर के अंदर क्या क्या डालना है, क्या क्या लिखना है। एक तो ये रिकॉर्ड पॉइंट ऐड रिकॉर्ड पॉइंट ये फंक्शन बनाया हुआ है, ये रिकॉर्ड पॉइंट लेयर के बारे में देखते हैं। ये रिकॉर्ड पॉइंट लेयर बनाई हुई जो कि एक्सटेंड एक्सटेंड कर रही है OM ग्राफिक हैंडलर लेयर को एक्सटेंड कर रही है। फिर उसके अंदर ये ग्राफिक्स लिस्ट बनानी पड़ती है, इसके अंदर ये ज्योमेट्री ऐड करनी है हम लोग को। ये रिकॉर्ड पॉइंट्स इसका नाम दिया हुआ है, ये इस तरह से इसका इसको इनिशियलाइज किया हुआ है। फिर इसके बाद ये मैंने सर्कल ड्रॉ करना है या रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मैंने ये वेरिएबल सेट कर दिया है। अगर ये 1 किया तो रेक्टेंगल ड्रॉ होगा और 0 किया तो सर्कल ड्रॉ होगा। फिर मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर ये लेयर का नाम यहाँ पे ऐड कर दिया, रिकॉर्ड पॉइंट लेयर, ये लेयर का नाम ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड पॉइंट लेयर उसका नाम यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद ये प्रिपेयर मेथड स्टार्टिंग में कॉल होता है। फिर ये प्रिपेयर मेथड के अंदर ये जो ये ग्राफिक्स लिस्ट है तब उसको इनिशियलाइज किया हुआ है,
जो हम लोग ने रिकॉर्ड पॉइंट ये ऑब्जेक्ट बनाया था ग्राफिक्स लिस्ट का, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राफिक्स लिस्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था, तब यहाँ तब इसको वहाँ पे पास कर दिया है। फिर यहाँ पे जो भी ये रेट डॉट जनरेट गेट जनरेट कर दिया, जो भी डिफॉल्ट प्रोजेक्शन है तब उसको पास कर दिया। फिर इसके बाद ये रिटर्न कर दिया लिस्ट यहाँ पे। तो जब भी ये स्टार्टिंग में कॉल होता होगा तब ये यहाँ से ये लिस्ट पूरी ले लेगा। इस लिस्ट के अंदर ही हम लोग को ऐड करना है ज्योमेट्री जो कि यहाँ पे दिख रही है, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये सारे सारा हम लोग ने ऐड किया हुआ है उस लिस्ट में। फिर ये फंक्शन ये कॉल होता है जब जब माउस क्लिक होता है, यहाँ पे ये माउस क्लिक पे ये फंक्शन कॉल कर रखा है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे पास कर रखे हैं जहाँ पे ये माउस क्लिक हुआ है। फिर इसके बाद ये यहाँ पे ये साइज पास किया हुआ है। तो यहाँ पे आते हैं ये यहाँ पे ये रिकॉर्ड पॉइंट ज्योमेट्री क्या है, ये यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में सेट कर रखी है जो कि रेक्टेंगल यहाँ पे वन सेट कर रखा है, ये स्टार्टिंग वन वन कर रखा है, ये चेक कर कि जीरो है कि वन है, सर्कल ड्रॉ करना है कि ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो इसके लिए पॉइंट OM पॉइंट क्लास आती है, उसे उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इसके अंदर ये लैट और लॉन्ग लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पास करना है। लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अब वाई और एक्स बन जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो लॉन्गिट्यूड होता है और वाई कोऑर्डिनेट लेटिट्यूड होता है। और यहाँ पे विड्थ पास किया हुआ है। तो इसके बाद ये पेंट इसको फिल कर दिया रेड कलर से। फिर इसके बाद ये जो लेवल दिख रहा है तो वो इस तरह से पुट एट्रीब्यूट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो इसके अंदर ये इस तरह से लेबल को सेट करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से लेबल सेट किया है, OM टेक्स्ट लेबलर को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लेबल का नाम यहाँ पे दे सकते हैं जैसे यहाँ पे दिख रहा है रेक्टेंगल लेबल, ये इस तरह से दिख रहा है, तब ये यहाँ पे पास करना पड़ेगा। फिर ये पॉइंट्स जो लिस्ट बनाई थी उसमें ऐड कर दिया ये पॉइंट। तो इस तरह से जब भी माउस क्लिक होगा तब ये पॉइंट ऐड होते जाएगा, फिर वहाँ पे हम लोग को दिखता जाएगा। फिर वैसे ही सर्कल के लिए बनाया हुआ है लैट लॉन्ग, यहाँ पे पास करना होता है लैटिट्यूड पहले, फिर लॉन्गिट्यूड, फिर विड्थ एक्स डायरेक्शन में विड्थ और हाइट पास करनी पड़ती है। फिर इसका भी सेट कर दिया रेड कलर। फिर इसका आउटपुट इसका लेबल ये सेट कर दिया, तो ये इस तरह से यहाँ पे सर्कल लेबल दिखेगा। फिर इसके बाद ये उसको लिस्ट में ऐड कर दिया ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था OM सर्कल का। फिर इसके बाद ये यहाँ पे ये डू प्रिपेयर कॉल करना पड़ेगा जो कि रिफ्रेश कर देगा ये स्क्रीन को, जब भी ऐड करेंगे तब फिर ये डू प्रिपेयर कॉल होगा तब फिर वो स्क्रीन को रिफ्रेश कर देगा। तो अब मैं दिखाता हूँ कि सर्कल कैसे ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे वन की जगह पे ये जीरो सेट कर देंगे। फिर उसके बाद रन करते हैं इस प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट रन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे माउस क्लिक पे ये सर्कल ये इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये सर्कल ऐड हो रहा है माउस क्लिक इवेंट पे। तो अगर तो यहीं पे मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ। तो थैंक यू। तो अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर ये इस लेक्चर जो जो लेक्चर का जो प्रोजेक्ट है नेटबीन्स वाला, तो वो अगर आप लोग को चाहिए तब कमेंट बॉक्स में लिखे, तब मैं उसको शेयर कर दूँगा टेलीग्राम के लिंक पे।
तो अब तक के लिए थैंक यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और ओपन मैप ट्यूटोरियल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो धन्यवाद।